रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि ना यहां बात उपचुनाव की है, ना यहां बात 24 चुनाव की है, और ना यहां बात किसी राजनीतिक दल की है। यहां बात केवल और केवल एक पदयात्रा की है जो 7 सितंबर 2022 को शुरू ही 3570 किलोमीटर की यात्रा, 150 दिन की यात्रा, जिसका आधा चरण लगभग पूरा हो चुका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा शुरू ही और श्रीनगर में जाकर खत्म होगी। 76 दिन यात्रा के पूरे हो चुके हैं और बीच में एक दो बार ब्रेक लेकर कुछ राज्यों में चुनाव प्रचार भी किया गया, जैसे कि गुजरात में एक दिन ब्रेक लेकर वहां दो सभाएं उन्होंने की थी। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यह है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, इसका असर क्या हो रहा है, प्रभाव क्या हो रहा है। क्योंकि व्यापक जन समर्थन मिलना, रैली में लोग आना और यात्रा में लोग जुड़ना, इसका हम कहीं भी ये मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि इतने लोग आपको वोट दे देंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो तमाम ऐसे इतिहास बने हुए हैं जिनमें रैलियाँ हुई, आम सभाएं हुई, जनसभाएं हुई और संबोधन हुआ, पर जब परिणाम सामने आए तो प्रत्याशी चुनाव हार गए, सरकार बनते बनते रह गई। प्रभाव क्या होने वाला है, प्रभाव कैसे होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अपार जन समर्थन सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी यात्राओं को दिखाया जा रहा है, उसका असर क्या है। निश्चित रूप से इस यात्रा की अगर हम चर्चा करें तो राहुल गांधी इसमें मेहनत कर रहे हैं, औसतन 30 किलोमीटर प्रतिदिन चलते भी हैं और 76 दिन इस यात्रा को पूरे हो चुके हैं, लगभग 2/3 यात्रा पूरी हो चुकी है। उसके बाद स्थिति क्या होनी चाहिए, हालांकि गांधी परिवार के जो सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, उन्होंने इस तरह से सोशल मीडिया और सामाजिक मीडिया को इस तरह से प्रस्तुति दी है ना कि ये लग रहा है कि निश्चित रूप से यात्रा बहुत सफल हो गई है और यात्रा 24 के चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी बनने वाली है। क्योंकि इतिहास बताता है कई ऐसी यात्राएं हुई, पदयात्राएं हुई और उनका परिणाम सार्थक रहा, चाहे 1936 में हुई गांधी जी की दांडी यात्रा की बात कर लें और चाहे कर्नाटक में तमाम यात्राओं की बात कर लें, यात्रा हुई परिणाम अलग हुए। पर यात्राओं का असर कैसा हुआ वो तो हम इतिहास में देख चुके हैं, इस यात्रा का असर कैसा होने वाला है ये अभी देखने वाली बात होगी। क्योंकि निकाय चुनाव भी पास आ गए हैं, राहुल गांधी ने गुजरात में जरूर प्रचार किया, केवल 2 रैली की, हिमाचल में वो प्रचार करने नहीं गए। अभी दिल्ली में MCD चुनाव है और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव है, अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव भी हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कर्नाटक में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। अब कर्नाटक में तो आपने देखा ही है कि सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच में जो आंतरिक जो सुलह है जो की गई है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, वो सुलह कितने दिन चलती है वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल इस पर एक बयान सुनते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि भारत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं, भारत जुड़ा हुआ है और भारत जुड़ा हुआ है एंशियंट इंडिया के समय से, भारत की प्राचीनता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उनके अंदर ये जो औपनिवेशिक मानसिकता के तहत आया ना कि भारत को अंग्रेजों ने जोड़ा, भारत को मुगलों ने जोड़ा, इसी तहत वो भारत जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। ये भारत जोड़ने नहीं, उन्हें भारत समझने की यात्रा करनी चाहिए कि वो भारत को समझें। भारत समझेंगे तो मुझे लगता है भारत जोड़ो शब्द अपने आप उनको निरर्थक लगेगा। आजमगढ़ में जैसे जीते हैं हम, गोला जैसे जीते हैं हम, जरामपुर जैसे जीते हैं हम, मैनपुरी भी वैसे ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के आज जो दिए गए विजन से, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लागू किए गए कार्यक्रमों और उपलब्धियों से, हमें पूरा भरोसा है कि मैनपुरी की जनता भी कमल का फूल खिलाएगी। महत्वपूर्ण विषय है भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा है, 3570 किलोमीटर की यात्रा और 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई, आधा चरण पूरा हो चुका है और 76 दिन इस यात्रा को पूरा हो चुके हैं, आज 70वां दिन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 150 दिनों की यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, 5 महीने की यात्रा,
और राहुल गांधी की अगर हम वेशभूषा की बात करें या उनके अभी हाल के ही जो चित्रण उनका सामने आ रहा है, तो कुछ अलग तरह के राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अमूनन क्लीन शेव रहने वाले राहुल गांधी यहाँ पर दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। उनकी दाढ़ी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। उन बातों को ध्यान ना देते हुए यहाँ पर एक ही बात कहूँगा कि शायद यहाँ पर कोई बदलाव हुआ है। हालांकि गुजरात में जिस तरह की उनकी रैली हुई है और रैली में उन्होंने जो दो रैलियों को संबोधित किया है, वहाँ पर कुछ अलग देखने को नहीं मिला। आदिवासियों की बात, पूंजीपतियों को बढ़ाने की बात, जिस तरह से वो आरोप लगाते नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं बदलाव किया है। और इस यात्रा के बाद राहुल गांधी के दृष्टिकोण में, कांग्रेस के दृष्टिकोण में कितना बदलाव आएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल मेहमान जुड़ने वाले हैं, आपको कुछ रूबरू करा दूं और निश्चित रूप से यहाँ पर चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको रूबरू करा दूं मेहमानों से। रामनिवास यादव भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में बैनुसेन भाई अपना पक्ष रखेंगे और नेता सपा के रूप में विवेक पांडे भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो हमारा बैनुसेन भाई से रहेगा। मनोज जी, यात्रा 76 दिनों दिन है, आज 150 दिनों की यात्रा है और राहुल गांधी औसतन 30 किलोमीटर डेली चल रहे हैं। जी, कि हम सभी कांग्रेस जन और भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति, आज़ादी के प्रति जो लोग जागरूक हैं और चाहते हैं, वो सभी आम नागरिक, आम और ख़ास नागरिक, सब ये कामना करते हैं कि राहुल जी की ऊर्जा, राहुल जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जो भारत जोड़ो का मिशन है, ये देखिए राजनीतिक से अलग इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि मजबूरी हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हो चुके हैं इस यात्रा में जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता के नशे में चूर होके लोकतंत्र की आखिरी आवाज़ को, उपेक्षित आवाज को दबाने का, मिथ्या प्रचार के माध्यम से हटाने का, धन बल और बहुत तरीके से षड्यंत्र करके ऐसी आवाज़ जो एक देश के पटल पे व्यापक रूप ना ले ले, तो षड्यंत्र करती रही, उस सब का बहुत स्वाभाविक तरीके से और बहुत प्राकृतिक तरीके से जिस प्रकार उन्होंने बीड़ा उठाया और निकले हैं इतनी कठिन और दुरूह यात्रा पर, तो जिस प्रकार से ये देश का मिलन है। अब बीजेपी वाले कहेंगे भारत जुड़ा है, ये बेकार की बात करेंगे। देखिए उत्तर पश्चिम दक्षिण सबकी प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से काफ़ी भिन्नता है। अनेकता में एकता वाला जो हमारा सिद्धांत है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता इनकी, तो जोड़ मुझे लगा एक चीज, दूसरी चीज जोड़ना बिल्कुल हर उस आवाज को, हर उस आवाज़ को, हर उस भूखे को, हर उस नौजवान को, हर उस महिला को, हर उस पुरुष को जिसको एक जिम्मेदार सहारे की आवश्यकता है। इस नकारात्मक माहौल में भारतीय जनता पार्टी के भारत बांटने के लिए, अपनी सस्ती हल्की राजनीति के लिए, सत्ता सुख के लिए भारत का जो मूल स्वभाव था उससे छेड़छाड़ करते हुए भारत की जनता को कई वर्गों में बांटने के लिए, भारत की जनता को भविष्य के प्रति नाउम्मीद करने के लिए, इन सब के बीच में अगर अलग जगाने का काम किया है, एक सकारात्मक विचार लाने का काम किया है, ये स्थापित करता है, ये बताता है राहुल गांधी जी का ये जो उनका कमिटमेंट है कि देश को, देश की भावना को, देश की नौजवानों को, देश की महिलाओं को, देश के किसानों को, देश के आदिवासियों की आवाज को भारतीय जनता पार्टी कितना भी षड्यंत्र कर ले उसको दबा नहीं पाएगी, निकल नहीं पाएगी। ये भारत की आवाज है जी। उसके साथ अन्याय आप कहेंगे सत्ता में है, कुछ भी करेंगे, और उस जो स्वभाव है उसका, चूंकि आपको फील गुड चाहिए, आपको 10 में 10 नंबर खुद से देना है, आप देख रहे हैं क्या हालत हो गई है हर तरफ, कहीं कोई संस्था नहीं, कोई लोकतांत्रिक मूल्य नहीं, कोई विकास के अवसर नहीं, सुनिए जी। और उसके बाद अगर ये अलग जगाने का आपने देखा, स्वाभाविक रूप से उसमें कोई पेड लोग नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उद्योगपतियों से चंदा लेके और भूमिका बनाने नहीं आए हैं, लोग पद यात्रा कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छोटे बड़े नेता में अगर साहस हो तो ट्रेन से अगर 1500 किलोमीटर की भी यात्रा करके दिखा दे और जनता के बीच में जाए। ये वो सरकार है, वो मिथ्याभाषी सरकार है, उसके मुखिया हैं जो इतने समय में, इतने साल में मन की बात तो करते हैं लेकिन जन की बात सुनने का, आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार का, आप जैसे जिम्मेदार लोगों का सवाल लेने का, खुली बहस
के माध्यम से इनके पास साहस नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, दो सवाल मेरे रहेंगे, उसके रामनवाद भाई को लेता हूँ। ब्रंट भाई, आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों में सरकार चली गई, गुजरात में भी क्या स्थिति है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है, वहाँ पर क्या होने वाला है क्या वो तो यच पिस ने। और राजस्थान में भी अंतर्कलह चल रही है, गहलोत और आपके भी पायलट की पटर नहीं रही है, तो मेरे ख्याल से पहले कांग्रेस को ही जोड़ लिया जाए तो ये बेहतर रहेगा। मैंने पहले ही आपसे कहा राहुल जी, इसका उद्देश्य बड़ा है। अच्छा, ये व्यक्तिगत तौर पर मतांतर हो जाए वो नेता का विषय बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के पास और क्या। अच्छा, क्या छोटे उद्देश्य को, मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए सही भी मान लेता हूँ, छोटे डिस्प्यूट को। अच्छा, जो आप कहना चाहते हैं जी, छोटे डिस्प्यूट को, किसी के कुछ वैचारिक मतभेद अगर है। अच्छा, तो क्या उसके उसको दरकिनार करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, जो बड़ी जिम्मेदारी है राहुल गांधी जी के ऊपर, एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार पार्टी के संवेदनशील नेता होने के नाते, एक भारत के प्रति चिंतित नेता होने के नाते। अच्छा, गंभीर नेता होने के नाते क्या उस सरकार को खुला छोड़ दे? अच्छा, कि सरकार आरोप लगा देगी कि आपके राजस्थान में है। अच्छा, आपके मध्य प्रदेश में है, आपके कहीं और है। जी, सवाल उद्देश्य बड़ा है, महान उद्देश्य के लिए निकले हैं। ठीक है, ठीक, भारत को भारत के स्वरूप में लाने के लिए, भारत के प्राकृतिक आवाज से सत्ता में अहंकारी लोग, सत्ता के नशे में चूर लोग, उनकी आवाज को अनदेखी अनसुनी ना कर दें, उस अलग को जगाने का काम राहुल गांधी जी ने। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं यात्रा की आपने सूची बनाई? बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, बहुत उत्तर प्रदेश की भी सम्मानित जनता बहुत अच्छा उम्मीद से इंतजार कर रही है। आपने देखा, ये लोग कह रहे थे सब मध्य प्रदेश में किस प्रकार का आलम है, साउथ में किस प्रकार। देखिए, ये जन नेता, अच्छा वो जन नेता है ही है विचारों से, लेकिन अच्छा, जब सड़क पे निकल रहे हैं तो जनता उनको अपने घर का बेटा मानते हुए जुड़ रही है। ठीक, ठीक है, और उनसे सारे वो सवाल, वो उम्मीदें उनसे लगाए बैठी है कि देश में अब कोई नया सवेरा लाएगा, भारतीय जनता पार्टी के झूठ झुलमे, तानाशाही रवैये, लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के खिलाफ अगर कोई प्रमाणिक रूप से लड़ने का काम करेगा और भारत के भविष्य को सुनिश्चित और सुरक्षित करने का काम करेगा, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होगा। रामनवाद भाई, चुनौती बनने वाली 24 में चुनाव आपके लिए, जोड़ो यात्रा है और यहाँ जोड़ने काम कर रही भारत को। नहीं गौरव जी, निश्चित रूप से यात्रा करनी चाहिए जी, राजनीतिक व्यक्तियों को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ ये कौन से है? नहीं, मैं बात तो सुनी पूरी। हाँ भाई, जो मुख्य विषय है जी, कि जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा, कांग्रेस के सारे नेता, यहाँ तक राहुल जी इनकी माता जी, सब बेल पे हैं। अच्छा, लेकिन कहते कि हम भारत जोड़ेंगे। अच्छा भाई, हमारे भारत का कौन सा ऐसा कोना है जो भारत से अलग है, इसको जोड़ने काम करेंगे? क्योंकि इनको भाई बड़े चम्मच लेके पैदा हुए हैं। अच्छा, सारे कांग्रेसी इनको नेता बनाने के लिए पैदल यात्रा करवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनको उद्देश्य नहीं पता। उद्देश्य नहीं पता है कि हम किस लिए यात्रा कर रहे हैं, करेंगे यात्रा, बोलेंगे कुछ, और कांग्रेस के मित्र जिस तरह से इतनी चर्चा, इतनी बढ़ाई कर दे रहे हैं उनकी। अच्छा, राहुल गांधी जी कि उनके पैर पे, मतलब पैर उनके जमीन पर आएंगे नहीं। अच्छा, 2014 से लगातार चुनाव हार रहे हैं, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी थी, आज उसके पास जो है विपक्ष का नेता का पद पाने के लिए उसके पास सांसद नहीं थे, और लगातार चुनाव हारते हुए लगातार चुनाव हार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या हैं, क्योंकि एक लंबे समय से गुलामी की परंपरा बनी है, और इसीलिए राहुल कुछ भी न करें, राहुल सारे चुनाव हार जाएं, लेकिन कोई भी कांग्रेस का नेता ये नहीं कहने वाला है कि राहुल जी को हटाइए, कोई नया व्यक्ति लाइए, शायद कुछ भला हो जाए। अच्छा, लेकिन क्योंकि एक गुलामी की मानसिकता है। अच्छा, उस परिवार जितने लोग गुलाम हैं उनको कभी भी राहुल गांधी जी में कोई कमी नहीं दिखेगी। अच्छा, लेकिन देश की जनता, जो देश समझदार है, समझदार है, लगातार चुनाव हराने काम कर रही है, बन गए हैं। और जैसे लगातार कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा, मैं तो कहता हूं कि ये कांग्रेसियों के लिए एक यात्रा चलाते। अच्छा, कि भ्रष्टाचार छोड़ो यात्रा। अच्छा, तो शायद कुछ भला इसमें होता, इसमें कुछ नहीं भला होने वाला। कह रहे हैं आपका कोई नेता नहीं, 15 किलोमीटर से चला जाए, 150 दिन की यात्रा जी, पिकनिक करके आ जाएंगे। अच्छा, फिर भी देश जनता कुछ नहीं देने वाली। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेता हूँ, जवाब बाद में लूंगा, पहले बेबे भाई लो। बेबे भाई, भाई यात्रा चल रही है, आप भी कोई यात्रा निकाल लीजिए भाई। आपकी यात्रा भी होती है, विधानसभा से कार्यालय तक होती है, तो उस पर तमाम बवाल होते हैं,
तो क्या मानते हैं आप, भी कोई यात्रा भविष्य में निकालेंगे? निकाय चुनाव भी आ गए हैं, 24 भी आ गए हैं, अगर यात्राओं से परिवर्तन होता है कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव भाई, पूरे मंच को पहले तो सम्मानित जितने भी उपस्थित पैनलिस्ट हैं सबका अनुमोदन करते हुए मैं अभिनंदन करता हूं। जी। और मुझे लगता है थोड़ा सा कोई तर्क देते समय इंसान को अपना इतिहास भी देख लेना चाहिए। अच्छा। जैसे कि यात्राओं का जो दौर है, इस देश का इतिहास की पहली बार सत्याग्रह पद यात्राओं से जुड़ा हुआ। जी। बदलाव की बयार जब भी चली इस देश में, हमेशा इस देश में कोई ना कोई पदयात्रा सत्याग्रह आंदोलन खड़ा हुआ, उसके बाद ही बदलाव की बयार आती। अच्छा। अभी हमारे सम्मानित भाजपा प्रवक्ता जिस प्रकार से विपक्ष पे कटाक्ष कर रहे थे, मैं एक सवाल पूछता हूँ गौरव भाई, मेरे दिल में बहुत सालों से है। ले लीजिए। क्या कारण था कि भाजपा के सबसे बड़े आदर्श, भाजपा के नीति सिद्धांतों के जनक आदरणीय अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी पूरे देश में, क्या वो वैदिक विधि के सनातन नियमों के अनुरूप थी? इसके अलावा अडवाणी जी ने नेतृत्व किया था रथ यात्रा का, तो यात्राओं का इतिहास तो इनका भी है। रही बात जिस तरह ये कहते हैं विपक्षहीन, मतलब टारगेट तो इनका हालांकि कांग्रेस से था, लेकिन मुझे लगता है एक बहुत ज्यादा गंभीरता से थोड़ा इस बात को समझना होगा कि भाजपा अपना इतिहास भूल जाती है कि कैसे 15 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता से बाहर बिठाए रखा था, और अभी तो 10 साल, मुझे लगता है अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं सत्ता में, दूसरा कार्यकाल शुरू ही हुआ है, तो ये थोड़ा सा आकलन अपने ऊपर भी करना चाहिए। दूसरी बात, आज बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है, जो राहुल जी की यात्रा चल रही है, यात्राओं से क्या होता है? यात्राओं से बदलाव की बयार शुरू होती है। कैसे? जब आप जनता से सीधे जुड़ते हैं, जब आप जनता से सीधे संवाद करते हैं, जब आप पैदल मजदूरों की तरीके से हजारों किलोमीटर पैदल उनके बीच में रहते हैं, तो जनता का एक विश्वास जागता है। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, बाबा जी को बोलिए ना, केवल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की पदयात्रा करके दिखा दे, केवल नहीं कर पाएंगे, मोदी जी करके दिखा दे, आज तक कोई बड़ी पदयात्रा की हो तो बताए ना। राहुल जी को कम से कम इस बात के लिए तो साधुवाद देना देता हूँ मैं, अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से व्यक्तिगत भी, कि कम से कम आपने विपक्ष के अंदर भी एक ऊर्जा के साथ सत्ता पक्ष को एक आईना दिखाया है। अगर मैं कह रहा हूँ कि चलिए, और एक बात आपने कही थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है जो यात्राओं का दौर चल रहा है, तो ये बात तो आपने भी स्वीकार कर ली कि पूरी मीडिया इस यात्रा को कवरेज नहीं दे रही है। तो ये मुझे लगता है कि मीडिया की जिम्मेदारी है, जैसे आप लोग जैसे कुछ जिम्मेदार हैं जो मीडिया कर्मी, मीडिया के भाई जो इस यात्राओं को बराबर कवर कर रहे हैं, लेकिन पूरी मीडिया नहीं कर रही है। उनके लिए आज भी भाई, जैसे मोदी जी तोता खिलाए तो वो खबर बन जाती है, मोर के साथ खड़े हो जाए खबर बन जाती है। आज एक स्मृति ईरानी जी ने इतना घटिया ट्वीट किया है कि मतलब केंद्रीय स्तर की एक नेता भाजपा की, और स्तरहीन ट्वीट, मतलब फोटो को उल्टा करके उन्होंने आरती की दीप प्रज्वलन को ही उल्टा दिखा दिया। आप राहुल जी को टारगेट करते करते सनातन का अपमान कर बैठे, लेकिन आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिक कुतर्कों में इन सारी असभ्यताओं का कोई स्थान नहीं होता है, उसको स्थान दिया जाता है डिफेंस करने के लिए। तो इस यात्रा के माध्यम से अगर मैं कह रहा हूँ कोई बदलाव नहीं है, तो भाजपा को हताशा क्यों हो रही है भाई? भाजपा के बड़े बड़े नेता क्यों इसको मुद्दा बनाने गए हैं? वो तो पिकनिक मनाने की बात कह रहे हैं रामनिवास भाई, कि पिकनिक मनाने गए हैं राहुल गांधी, लौट आएंगे 150 दिन बाद। तो भाई हॉलीडे तो इनके अस्थि कलश लेकर के क्या इनके नेता भी कर रहे थे क्या? हॉलीडे मनाने गए थे क्या? पूरे देश में घुमा रहे थे। हमारे यहाँ अंत्येष्टि का नियम जो है सनातन का, उसको तो इन्होंने अपमानित किया। अटल जी तो कहते थे कि मैं चिमटे से जोड़ तोड़ की सरकार को चिमटे से नहीं छूंगा। अपने चरित्र में झांक ले, 9 राज्यों में इन्होंने जोड़ तोड़ की सरकार बना रखी है, और प्रयास तो और भी राज्यों में है। तो मुझे लगता है जो अटल जी के सिद्धांतों को दरकिनार करता है, वो उसी अक्षम्य व्यक्ति की तरीके से है जो अपने पिता का अपमानित करके घर के बाहर कर दे। ठीक है, तो मुझे लगता है भाजपा जो है आज आप इनकी बातों में केवल और केवल जुमलेबाजी का जो कुतर्क है उससे इनकी हताशा झलकती है। इनके जो तर्क होते हैं वो तर्कहीन तर्क होते हैं। कारण बता दूं, यात्राएं तो इनके नेताओं ने भी की हैं, तो आज आप राहुल जी की यात्रा को कैसे असफल बता सकते हैं? ये तो तर्कहीन बात हो गई भाई। उसी यात्रा के दम पे आपने राम मंदिर आंदोलन खड़ा कर लिया था, और आज भारत जोड़ो यात्रा अगर इतनी स्तरहीन है, तो मैं तो पूछ रहा हूँ स्मृति ईरानी जी को क्या आवश्यकता थी इस तरह की कुतर्कहीन टिप्पणी करने की, या इस तरह का एकदम स्तरहीन ट्वीट करने का? तो भाई कहीं ना कहीं देखिए, सत्ता के अंदर बदलाव की बयार जाग रही है, और कहीं ना कहीं मुद्दों पे जनता जाग रही है, मुद्दों की आवाज उठ रही है, और
यकीनन सत्ता पक्ष में हताशा दिखाई दे रही है। ठीक है विनोद भाई, भाई भाजपा के प्रवक्ता रामनाथ भाई ने कहा पिकनिक मनाने गए हैं, वही मना के लौट के आ जाएंगे 150 दिन बाद, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। देखिए नहीं, मैंने वही कहा, ये इनकी मजबूरी है, व्यवस्था है इनकी। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार का दोष है ना, वो बहुत बेकार है, बहुत घटिया है जी। विवेक जी की बात से मैं सहमत हूँ। देखिए आज जिस अनिश्चितता में, जिस अभाव में जी, जिस असुरक्षा में जी, सरकार द्वारा बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत एक माहौल बांटने वाला पैदा किया गया है और है, उसमें अगर कोई एक आशावादी रूप में नेता खड़ा होता है जिसको व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो जन सरोकार की बात करता है, सीधे जनता से जुड़ने की बात करता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीतिक रूप से विफलता है वो स्वाभाविक है, होना है। तो उसकी प्रतिक्रिया में, उसके रिएक्शन में ये व्यक्तिगत मर्यादित आधारहीन टिप्पणी तो करेंगे, वो इनका स्वभाव भी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में वही आता है। सवाल ये है कि राजनीति में शुचिता, राजनीतिक मूल्यों की बात, अतीत में जो हमारी पदयात्राएं विभिन्न पार्टियों के नेताओं के द्वारा हुई हैं, उसके प्रति उसके परिणाम जनता में, समाज में, देश में किस प्रकार से बदलाव आते हैं, सरकार उनसे कितना सीख लेके जनता के परोपकार के लिए, जनता के कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी मशीनरी, अपने नीतिगत फैसले पर गौर करके उनका इस्तेमाल करे, इस सबसे इनको सीख तो लेनी नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत आधारहीन टिप्पणी करते हैं। लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है। और विवेक जी ने कहा अटल जी की बात कर, इनको तो अटल जी से दूर दूर तक कोई वो नहीं है, अटल जी से विचारों से इनका कहाँ मेल खाता है भाई, अडवाणी जी के विचारों से इनका कहां मेल खाता है। ये लोग तो आज इस राजनीतिक पोजीशन पे, अभी जो राजनीतिक अहंकार की बात है, जब खुले आम इनके लोग गांधी के ऊपर गोडसे को पूरी तरीके से स्थापित करने पे लग गए हैं, उनसे उनको सुपीरियर बनाने पे तर्क दिए जा रहे हैं, तो ये इनकी मानसिकता है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं गोडसे सुपीरियर थे गांधी से, बिल्कुल बोल रहे हैं भाई, इनकी मनोभावना तो यही है, इनकी मनोभावना यही है। तो ये देखिए, ये बड़े सोचे समझे देश में एक ऐसा वातावरण, वैचारिक राजनीतिक संकट पैदा करना चाहते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ही केवल अपर हैंड हो। लेकिन इस सब को जब एक नेता बड़ी साफगोई, बड़े सुंदर विचारों के साथ, साफ दिल के साथ निकलता है, और उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य है कि जो आज का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने भय और दबाव और सत्ता का दुरुपयोग करके बना रखा है, मिथ्या प्रचार के माध्यम से बना रखा है, तो जनता की आवाज को सामने कौन लाए, जनता की आवश्यकताओं को एड्रेस करने का काम। भाई जनता की आवाज उठाने के लिए आया भाई, आप लोग जनता की आवाज सुनते नहीं है, जन की बात करते हैं और मन की बात करते, जन की बात करते नहीं है, जनता की आवाज उठाने के लिए कदम उठाया भाई, क्या बुराई है आपको। गौरव जी अभी समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे हाँ, कि अडवाणी जी ने यात्रा की और तमाम यात्राओं की चर्चा की। हम्म, अडवाणी जी ने यात्रा की, राम मंदिर निर्माण की, आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम्म, उसी तरह हर यात्रा कोई न कोई उद्देश्य होता है। अरे विवेक हंस क्यों रहा है, निर्माण नहीं हो रहा क्या विवेक भाई? क्योंकि इन्हें तो मंदिर दिखेगा नहीं, इन्हें तो बावरी मस्जिद दिखेगी ना, इसलिए हंस रहे हैं। इसलिए हर यात्रा को इनके उद्देश्य होता है, जैसे गांधी जी की यात्रा की चर्चा आपने की, गांधी जी की यात्रा का उद्देश्य था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा क्या उद्देश्य है भाई? जब देश सारा जुड़ा हुआ है भाई, या तो पाकिस्तान से निकाल जाइए पीओके तक, समझ में आता है पीओके को जोड़ना है, इसलिए वो यात्रा की जा रही, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। संगठन के साथ लेकिन सरकार बनाते हैं, आतंकवादियों को टिकट देते हैं, यात्रा इनको यात्रा करेंगे, यात्रा क्योंकि भाई कांग्रेस कौन पूछ रहा है, राहुल जी को कौन पूछ रहा है, जनता कहीं कोई पूछ रहा है भाई? अगर चर्चा में रहना है, कुछ करते रहना है भाई। विवेक जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूछिए कि जो है भाई नेताजी आज नहीं रहे, उनकी बनाई हुई पार्टी उनके बनाए हुए और उसको आज अखिलेश जी गंवा रहे, उनको तो बचा नहीं पा रहे। अगर उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता राहुल गांधी जी, अखिलेश जी को बेरोजगार कर दी है, उसे भारतीय जनता पार्टी का दोष है भाई? अगर ये बेरोजगार है की वजह से देश की स्थिति ये है कि हम हर इंडेक्स में नीचे, विवेक भाई विवेक भाई हर इंडेक्स में नीचे, न प्रदेश से मतलब है, न देश से मतलब है, सिर्फ मोदी जी की आलोचना करने से मतलब है। मैं जवाब देता हूं, आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, अच्छा देश का नाम पूरी दुनिया बढ़ रहा है, लेकिन इन लोगों को वही अखिलेश भैया,
एक दूसरे पप्पू भैया, इसके अलावा कोई दिखेगा नहीं। अरे ये कौन क्योंकि भाई? नहीं मैंने कह रहा ना विवेक जी जिस तरह से हंस रहे हैं जी भाई, हम आज राम मंदिर पर हंसी कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम पे हंसते हैं लोग। नहीं नहीं अगर बाबरी मस्जिद बनती मैं जवाब देता हूँ हंसते। अच्छा आज राम मंदिर बन रहा है, इनको गले से नहीं उतर रहा है। अच्छा लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी देश की जनता की आवाज थी, जो आप भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो निश्चित रूप से इन्हें तकलीफ हो रही है, इसलिए इनको हंसी आ रही। अच्छा क्योंकि राम मंदिर में कहीं कोई का योगदान नहीं, जवाब ले रहा हूँ भैया। लेकिन जब वो बनने लगा तो उसको व्यवधान डालने के लिए सारे प्रयत्न किया इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे इनके और साथी बंधु हो, लेकिन देश की जनता इसीलिए लगातार 2014 से चाहे अखिलेश जी हो चाहे राहुल जी हो सबको पैदल कर रही। अगर ये बेरोजगार है भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है, ये इनका स्वयं का अपना दोष है। इतनी समस्या क्या है, जनता और देश जनता इनको बेरोजगार करती है। जनता के सवालों की बात, जनता के अधिकारों की बात अगर कोई करता है तो आप इतने व्यक्तिगत गौरव भाई मुझे जरा समय दीजिएगा। आपको इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं इस यात्रा में कौन समस्या रखी जा रही है, किसके निस्तारण की बात हो रही है? भाई भारत जोड़ो नाम दिया गया, भारत पूरा जुड़ा हुआ है। अच्छा। जो जुड़ा हुआ उसी को जोड़ने की बात करें, अरे वो तो पहले भी जुड़ा है। अच्छा। जो नहीं जुड़ा कर उस पर एक चर्चा कर दे, उस पर एक बयान दे दे कि भारत जो है भारतीय सेना पीओके के लिए क्या तो रहा है, आपका कोई आर्मी नहीं कर सकता यात्रा। नहीं मेरी भारत की हमारी सरकार मोदी जी की सरकार तो जो कर दी जिंदगी में भी नहीं कर सकते। अच्छा। ये कहते थे कि धारा 370 हटाए दिखाइए, आज हमारी सरकार ने हटा दिया। ये कहते थे राम मंदिर बनाए दिखाइए, आज हमारी सरकार राम मंदिर बना रही है। तो ऐसे आप अच्छा मैं आपको चैलेंज करता हूं, लाख दिखाइए, वादा करता हूं दावा करता हूं कि आप बयानबाजी करिए, एक दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार बनी है, पीओके लेके रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। मैं गौरव जी आपके माध्यम से मैं इनको एक लाइन में चुनौती देता हूँ, जहाँ सवाल चूंकि जनता की बात का है और जनता के जब सवाल आता है और जनता की आवाज कोई बनता है उसके खिलाफ अगर कोई नौकरी करने का काम करता है तो दिल में बहुत वेदना होती है, पीड़ा होती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ राम निवास जी बड़े नेता है, राजनाथ सिंह जी के करीब है, अमित शाह जी के करीब है और पार्टी के करीब है, शीर्ष नेताओं के। ये प्रधानमंत्री जी में ऐसा साहस क्यों नहीं आया है? और है तो गौरव जी जैसे 10 11 12 15 पत्रकारों का सवाल जिसमें कोई प्रायोजित कार्यक्रम ना हो, प्रायोजित अभिनय ना हो और सीधे सवाल का सीधा जवाब जनता के सवाल का आप दे दीजिए। अगर आप ये सुनिश्चित करते हैं तब आपको कोई अधिकार है कोई हक है इस जो ध्रुव यात्रा संघर्षशील यात्रा चल रही है, जो लोग उपेक्षित हैं अपमानित हैं अभावग्रस्त हैं उनकी आवाज बनने का श्रद्धेय राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं जिस सोच के साथ, तो आपको कोई अधिकार नहीं है उन पर कोई व्यक्तिगत अमर्यादित टिप्पणी करने का। अगर आप में साहस है तो आप सुविधा छोड़िए और केवल आधे घंटे एक घंटे का सेशन करके देखिए और केवल उसमें गौरव जी जैसे लोगों के ईमानदार निर्भीक सवालों आप करके देखिए। मैं चुनौती देता हूं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि आप सरकार में तो जिम्मेदारी नहीं है, सवाल नहीं लेंगे। आखिर वास्तविक स्वरूप जो स्वाभाविक स्वरूप है, प्राकृतिक स्वरूप है, जनता की जो हालात है, जन समस्याओं का जो आलम है, उसको गौरव जी जैसे जो सड़क पे संघर्षशील पत्रकार हैं, ईमानदार भयमुक्त पत्रकार हैं, वही तो सामने लाएंगे। नहीं तो आप आएंगे मन की बात करेंगे, थाली बजाएंगे, हाथी बजाएंगे, चाय पकौड़ी खाएंगे, चले जाएंगे गाना गा के। आपका मिथ्या गान कब तक सुनेगा देश? ठीक है जी भाई अपनी बात समझिए बात को। आम आदमी बहुत पीड़ित है, उपेक्षित है, असुरक्षित। गौरव भाई मैं बहुत देर से धैर्यपूर्वक सुन रहा था जी, बोलिए। और अब जरा मैं इनको जवाब दे देता हूँ। बोल दीजिए, बोल दीजिए। ये कह रहे थे राम मंदिर बनने से हमें कष्ट है, बिल्कुल कष्ट है। राम मंदिर के चंदों में जो घोटाले हुए उससे हमें बहुत कष्ट है। अच्छा। राम मंदिर बनते समय जो इनकी भूमिका रही वहां पे भूमाफियाओं को संरक्षित करने की उससे हमें कष्ट। इनके पदाधिकारियों द्वारा जो अवैध कब्जा किया गया, जो चंदों में घोटाला किया गया उससे बिल्कुल कष्ट है और कष्ट रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब एक यात्रा चल रही है और उस यात्रा को अगर ये इतना महत्वहीन मानते हैं तो इनके नेता सांसद विधायक मंत्री उस यात्रा की इतनी आलोचना क्यों कर रहे हैं भाई, क्या समस्या है? दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, राष्ट्रवाद। ये बताइए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को पहली बार टिकट किसने दिया इस देश के इतिहास में चुनाव लड़ने के लिए? पीडीपी जो कि अलगाववादी सरकार है, इस देश में अलगाववादी जनक के रूप में देखी जाती है, उसके साथ सत्ता में यही बैठे थे जाकर के गठबंधन करके। अच्छा।
आप उदयपुर की घटना नहीं भूल सकते जिसमें कि भाजपा का ही कार्यकर्ता निकला सरतन से जुदा करने वाला जी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी गौरव भाई, आज भाजपा जब विपक्ष में थी 15 साल तक, जब इनको हताश निराश सड़क पे बिठा रखा था जनता ने, उस समय जो इनके वादे थे क्या आज वो इनको असहज नहीं करते जनता के सामने? चुनौती देता हूं मैं, चलिए आज आपके मंच से गौरव भाई, हो सकता है कि आपके चैनल पे भी सरकार वो कर ले, एक्शन ले ले जी। मैं आपके मंच से चुनौती देता हूं, योगी जी अगर बहुत सक्षम मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी बहुत सक्षम मुख्यमंत्री हैं, तो विपक्ष के नेता जैसे आदरणीय हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हो गए, शिवपाल यादव जी हो गए, बैठिए ना सामने एक मंच पे आकर के जरा चर्चा और डिबेट करिए ना, देखूं जरा कितनी क्षमता आपके अंदर है, कितना विकास आपने किया है। आप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने बैठ करके बहस तो कर नहीं पाते हैं और बात कर रहे हैं बैठ करके टीवी मंचों पे ऐसे प्रवक्ताओं को भेज करके केवल तर्कहीन टिप्पणियों के माध्यम से हताशा पैदा करने वाली। तो माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया का जमाना है, जिसको भी आपने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी, ट्विटर वाला प्रकरण याद होगा जी। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, आपके अपने दिए बयानों के विरुद्ध जो आप काम कर रहे हैं आज जनता उसी का प्रतिकार करके 24 में इनकी सरकार को किकआउट करने का काम करेगी। और रही बात क्या कहा था इन्होंने पिकनिक मनाने की बात, 10th और 12th पास जो उद्योग मंत्री है वो जाएगा विदेश से निवेश लाने के लिए, जो अंग्रेजी भाषा में शायद संवाद भी नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है पहले तो ऐसी ऐसी, और सबसे बड़ी बात साहित्य सम्मेलन की डिग्री लेकर के लोग नेता मंत्री बन बैठे, मुझे भी पीएचडी की डिग्री कहीं साहित्य सम्मेलन की दिला दीजिए इस तरीके से, तब तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसका अपना नेतृत्व अधर में हो, जिसके अपने नेतृत्व पे प्रश्न या सवाल प्रश्न चिन्ह लगे हों, वो जाकर के जब राज्य को नेतृत्व करेगा, राज्य की बातें करेगा, तर्कहीन बातें करेगा, तो ऐसी प्रवक्ता सामने आकर के कुतर्क करेंगे, उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा। एक यात्रा ने इनकी रातों की नींद उड़ा रखी है, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से तीसरी बार पूछ रहा हूं, अगर ये यात्रा इतनी महत्वहीन है तो स्मृति ईरानी जी को ट्वीट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई उस फोटो को उल्टा करके? उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं अभी तक। अपने ही कहे मुद्दों पे जो विपक्ष में बैठ के सिलेंडर, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, आज तो ये फेल है। सबसे बड़ी बात आप समझिए गौरव भाई, भाजपा में जो जितना बड़ा झूठ बोलता है वो उतना सफल नेता माना जाता है। जैसे जेपी नड्डा जी ने क्या कहा था, मदुरई में एम्स 95% तैयार है, 1100 की कुछ करोड़ इन्होंने आवंटित भी कर दी थी राशि, और उसका कुछ दिन में इनॉग्रेशन होने वाला था मोदी जी के माध्यम से। क्या हुआ, क्या हुआ जब वहां पे कांग्रेस के पदाधिकारी गए तो वहां समतल जमीन भी नहीं। तो जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उतना बड़ा नेता है। मैं साधुवाद देता हूँ राम नरेश जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, इन्होंने आज इतने अच्छे अच्छे झूठ प्रस्तुत किए, इनको भी बड़ा पद मिलना चाहिए। नहीं विवेक जी, विनोद जी भाई, इनको तकलीफ है, मैं समझता हूँ कि भाई नहीं, तुम लोग लंबे समय से सत्ता में रहे, अगर आप सत्ता में नहीं हैं, क्योंकि ये तो सत्ता 15 साल खाली भोगने के लिए रखते थे, 15 साल आप भी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता आती तो जनता के लिए आती। इसीलिए आप देखे होंगे कि 2014 से हम बने, लगातार हम बन रहे हैं, ये एक बार जैसे बनते हैं एक एक साल बाद चुनाव हो जाए तो जमीन चले जाते हैं, क्योंकि इनका मतलब जनता में नहीं रहता है, इनका तो मतलब होता सत्ता मिली 5 साल लूटो, उसके बाद फिर 10-5 साल आराम करेंगे, फिर लूटेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जनता समझदार हो गई, उसको पता है कि लूटने वालों को अब मौका नहीं मिलेगा, बार बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी को मौका मिलेगा, इनको मौका मिलने वाला नहीं है, इसीलिए हताश। डिबेट करवाएंगे कि नहीं पहले ये बताइए, आपके नेता बैठेंगे डिबेट कर रहे हैं अखिलेश यादव जी के सामने? नहीं, आप जरा अस्तर अपना देखिए, अस्तर देखिए, नहीं अस्तर देखिए, एक क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चर्चा की बात करते हैं, अरे आपके लिए तो हम लोग पर्याप्त है, आप चिंता मत कीजिए, जब रखिए विवेक भाई, विवेक जी जब रखिए, हम लोग पर्याप्त हैं आपके नेता के लिए, आईना दिखाने के लिए, इसलिए चिंता मत कीजिए, जब समय बताइए, जिस समय बताइए, आपके नेता बंधुओं के लिए हमारे पास तमाम प्रवक्ता हैं, तमाम वक्ता, तमाम नेता, हम लोग तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं गौरव भाई किसी दिन रख लीजिए, नहीं आज ही रख लीजिए, क्योंकि आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, आपके नेता का ये स्तर नहीं है कि हम तो आदरणीय जेपी नड्डा जी के साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चर्चा करें, आपके नेता के लिए चर्चा के लिए हमारे पास तमाम प्रवक्ता हैं, बताइएगा जब भी समय रखिएगा हम भेज देंगे। देखिए सवाल है, इसी सोच का है, बुनियादी जो सोच है, अभी से भाग रहे हैं, आपको मिली है सेवा करने के लिए राम निवास जी या इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सभी जिम्मेदार नेता ये कहते हैं बार बार हम आएंगे, तो जनता के वोट, जनता के मताधिकार पर जो इनका एकाधिकार
आधिपत्य करने की जो भावना है ये बड़ी खतरनाक है। ये कैसे कह सकते हैं? अंतोगत्वा हर चुनाव अपने आप में दिलचस्प होता है, निर्णायक होता है, तो ये तो जनता जनार्दन को सुनिश्चित करना ये भविष्य के गर्भ में है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी मूर्धन्य विद्वान नेता बड़े जिम्मेदारी से साहस से कहते हैं कि नहीं आएंगे तो हम ही। तो आप कौन सा खेल षड्यंत्र कर रहे हैं ये जनता देख रही है, समझ रही है। आप सभी और आपको जनता के सवालों पर कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत लोग, सेवा भाव को अपना अपना सब कुछ देने वाले, समर्पण करने वाले लोग आएंगे, निकलेंगे, कांग्रेस ही निकलेंगे। और राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा है जिससे जैसे अंजाम की तरफ पहुंचेगी, आपका निराश, हताश, परेशान होना स्वाभाविक है। ठीक, हम इसको अच्छा संकेत मानते हैं। ठीक ठीक है, आपका, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी भारत जोड़ो यात्रा जो कि कांग्रेस द्वारा शुरू की गई 7 सितंबर 2022 से। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकल रही है, 76 दिन पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में इस यात्रा का क्या परिणाम होने वाला है, क्या प्रभाव दिखेगा, जो व्यापक जन समर्थन बताने की बात की जा रही है, दिखाने की बात कही जा रही है, वो वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर जो इतिहास है और जो विचार हैं वो एक बात स्पष्ट करते हैं कि जब जब हमारे देश में यात्रा निकली है बदलाव जरूर हुआ है। अब बदलाव सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये तो यात्रा के दृष्टिकोण के, यात्रा की व्यवस्था पे और यात्रा के सफल होने पर निर्भर करता है। आने वाले समय 24 का चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव भी है, कर्नाटक में चुनाव है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव है, अगला साल भी चुनावी रहेगा। और इस यात्रा का कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस के ऊपर, सत्ता पक्ष के ऊपर और जनता के ऊपर, ये वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है, अगर यात्रा हुई है तो परिणाम जरूर आएगा, चाहे वो सकारात्मक हो और चाहे नकारात्मक। अगर वास्तव में परिणाम बदलना है तो यात्रा से अलग कुछ ऐसे भी काम भी करने पड़ेंगे जिसके लिए जनता आपको समझे। संघर्ष केवल सोशल पे नहीं, संघर्ष केवल ट्वीट पे नहीं, संघर्ष चाहिए धरातल पर, तभी परिणाम बदलेंगे। नहीं तो जो स्थिति या परंपरा चलती आ रही है वही चलती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।